उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख तय कर दी है। 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, जहां पर अमरोहा जिले की नौगांवा सादात सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश कुमार मिश्रा ने जिले में आचार संहिता लागू कर दी है, जहाँ पर नगर पालिका द्वारा सभी होर्डिंग्स बोर्ड हटाए गए हैं। जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद ही नगरपालिका के कर्मचारी हरकत में आए और जितने भी होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं सबको हटा दिया गया है। जिले में जहां जहां प्रत्याशियों के प्रचार प्रचार को होर्डिंग बोर्ड लगे थे सबको हटा दिया गया है और आचार संहिता का पालन करने की बात कही है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी हुए हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने सभी लोगों से आचार संहिता का पालन करने की बात कही है, इसका उल्लंघन न करने की अपील भी की है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया गया उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर अमरोहा प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। सभी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। 3 नवंबर को जिले की नौगांवा सादात सीट पर उपचुनाव होगा और वहीं 10 नवंबर को नतीजे भी आएंगे।